दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई नई शराब अबकारी नीति में जो धांधली हुई है इसे लेकर एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली में शराब नीति के लिए जो लाई गई थी उसकी सीबीआई जांच के निर्देश दे दिया गया, क्या कहें? हाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट है, जिस तरह से रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर अगर राज्यपाल जी ने अनुशंसा करी है तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए। देखिए, देश को आप समाज को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बेहतरी है, सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर करेंगे, उसके लिए जो नीति है, जो रीति है, जो पॉलिसी है, उसको कैसे आप बेहतर करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है हर एक चीज़ को ताक के ऊपर में, व्यापारिक अधिनियम वो लेकर के चलें, चाहे आबकारी नीति हो 2009-10 का, सब कुछ का अवहेलना किया गया। शराब माफियाओं को जिस तरह से आपने 150 करोड़ के आसपास करीब फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ये सब क्या दिखाता है? बिल्कुल पारदर्शिता तो बिल्कुल आपने बरती ही नहीं है। तो इस तरह की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल होनी चाहिए। कोई भी दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस अपेक्षा के साथ यहाँ पर जनता ने उनको चुन करके भेजा था, वो अपेक्षा के ऊपर में आप खड़े नहीं उतरे। मैं आपको अगर एक एक चीज़ गिनाऊँ, चाहे वो आप जल की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली के अंदर में जो प्रदूषण है वो आपने देखा है, जो कि वैश्विक स्तर पर किस तरह से आपके दिल्ली का नाम लिया जाता है सबसे पोल्यूटेड सिटी में। हमने स्मॉग टावर का हमने किया था, कमिटमेंट किया था, हमने शुद्ध जल का किया था कमिट, लेकिन आपका मिसमैनेजमेंट और एक्सपीरियंस जो है सो आपका इतना लेस है जो कि आप उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाए। तो इस बीच केजरीवाल सरकार के तमाम विधायकों का, मंत्रियों का ये कहना है, केजरीवाल ने खुद पीसी करके कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी से डरने लगी है और हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, वो सावरकर के औलाद हैं और वो जेल जाने से भले ही डरते हों। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ तो हमें डर नहीं लगेगा। आज मैं यहाँ पर बिल्कुल हूँ, मैं एक साधारण सा कार्य करता हूँ, हमें नहीं डर लगता है। चाहे कोई भी पुलिस चला जाए, कोई भी मिनिस्टर चला जाए, हमें नहीं डर लगेगा। लेकिन अगर आपने गलतियाँ करी है तो आपको डरना चाहिए और डर बेहतर है। मैं तो ये कहता हूँ डर बेहतर है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंटेड गवर्नमेंट के लिए, एक ट्रांसपेरेंटेड समाज के लिए ये सबसे बेहतर चीज़ है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर जिस तरीके से सीबीआई जांच का आदेश दिया गया? देखिए रमा जी, जो भी बात कह रहे हैं वो बहुत सटीक कह रहे हैं। जो जनता की सरकार से शिकायत जो होती है होनी चाहिए, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने का तरीका, अगर रमा जी अनशन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, जुलूस करें आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो बिल्कुल वेलकम है। लेकिन रमा जी की पार्टी क्या करती है, ये कदम ना उठा के ऊपर से सीबीआई बिठाती है, एलजी का इस्तेमाल करती है, ये दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सवाल ये है कि जब आपने गलत नहीं किया है तो फिर डरने की क्या बात है? इस बात पर भी आते हैं कि अगर गलत नहीं किया तो डरने की बात क्या है। अगर व्यवस्था, अगर न्यायपूर्ण है देश में, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, कर दिया जाता है, तब तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब तो खुद रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को जमानत देने में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आजम खान को जेल से वो रिहा ना हो, इसके दिल्ली सुन लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि डरने वाली बात पर, कि डरना क्यों जरूरी नहीं है। सवाल है कि आजम खान पर एक के बाद एक 89 मुकदमे हो गए, क्यों? क्योंकि वो जेल से ना छूटे तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भाई आप नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती है या दूसरा व्यक्ति हो जाता है, ये सिलेक्टिव ढंग से देश में चल रहा है, तो आम आदमी डरेगा क्यों नहीं? जब व्यवस्था अगर न्यायपूर्ण रहेगी तो डर नहीं लगेगा, व्यवस्था अगर अन्यायपूर्ण होगी तो आम आदमी डरेगा। वो तो सत्येंद्र जैन के पक्ष में भी खड़े थे, वो भी जेल में है, और आप बोल रहे हैं कि एक महीना पहले ही केजरीवाल जी ने बोल दिया था कि मनीष सिसोदिया कुछ दिन में जेल में चले जाएंगे। तो क्या वास्तव में आपको ये लगता है कि जिस तरीके से ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, सरकार जिस तरीके से हस्तक्षेप करे, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या वास्तव में ये सही है? देखिए, एक ही पार्टी का अगर दिल्ली में बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग क्यों जेल में जाएंगे, या उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी विपक्ष का ही लोग क्यों जेल में जाएगा? क्यों भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार में है, क्या उनके लोग जो भ्रष्टाचार में हैं उनके ऊपर वही व्यवहार हो रहा है उनके साथ जो विपक्ष के लोगों के साथ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मंत्री ने तो खुलेआम कहा कि हमारी योगी सरकार जो है, हमारे में भ्रष्टाचार है, हमारी बात भी नहीं सुनते। जब योगी सरकार का
मंत्री कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ जल शक्ति योजना में और नमामि गंगे में, दिल्ली पर जवाब दीजिए, हम दिल्ली के बारे में। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब CBI जांच की आदेश हो गया है तो इस बीच में गांधी, सावरकर और गोडसे को लाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सावरकर के भक्त हैं, वो डरेंगे, हम जेल में जाने से नहीं डरते, इन तरह के बातों को लाने की क्या आवश्यकता? देखिए, राजनीतिक दल कैसे अपनी बात को रखे वो हम या आप तय नहीं कर सकते, या मैं कैसे अपनी बात को रखूं ये मैं ही तय करूंगा। केजरीवाल जी को भी अधिकार है, रमा जी को भी अधिकार है कि वो अपनी बात को कैसे रखें। सावरकर को वो प्रतीक बना करके बोल रहे हैं कि सावरकर ने जीवन कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनका अधिकार है। ठीक है, तो जिस तरीके से CBI जांच का आदेश दिया गया है, आम आदमी पार्टी और BJP इस मुद्दे आमने सामने है, आने वाले दिनों में जांच की क्या प्रक्रिया होती है, जांच में क्या निकल कर आती है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वास्तव में क्या नई शराब आबकारी नीति के अंतर्गत भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं।